लखनऊ राजधानी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। आज लखनऊ में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रथ यात्रा लखनऊ में घूमेगी। आपको बताते चलें कि लखनऊ राजधानी से आज 17 जनवरी से 1 फरवरी तक कई जनपदों से होकर पहुंचेगी दिल्ली। 2022 चुनाव में जिस तरह से निकली थी यात्रा, आज उसी की तर्ज पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी रथ यात्रा निकलेगी। यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ की पीडीए यात्रा आज से 1 फरवरी तक पहले चरण की रथ यात्रा। एक तरफ सीट शेयरिंग पर पार्टी के नेता कर रहे हैं चर्चा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव निकाल रहे हैं पीडीए की यात्रा। अनंत राम जायसवाल उन लोगों में से थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ाने का काम किया। अखिलेश उन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ ही अपनी विचारधारा से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अखिलेश जो सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, उन सपनों को नेताजी ने साकार करने का काम किया। आज हम संकल्प लेते हैं कि उस पीढ़ी ने जो सपना देखा था, हम उस पर काम करेंगे। अरे अवधेश प्रकाश जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजन चौधरी जी, राहुल गौतम जी और यहाँ पर बसे सभी हमारे प्रकाश साथी, मैं सबसे पहले अनंत राम जायसवाल जी को याद करता हूँ। वो उन समाजवादी नेताओं में थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ और उस समय नीतियों के खिलाफ गरीब किसान वंचित शोषित की आवाज बनने का काम अनंत राम जायसवाल जी ने किया। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, कुछ साथी इसमें से उनके साथ काम किया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को जहाँ आगे बढ़ाया, वहीं अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की। हमें खुशी इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष करते थे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वही हम समाजवादी पार्टी के प्रपोज के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चलकर भी वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर भी समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीढ़ी यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं, वो समाज में जहर घोल रही है, दूरियां बना रही है और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं,
अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले आ रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी नौकरी, जब भी मौका मिलेगा, उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करें। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिले। अच्छाई से कोई नाराज नहीं हो सकता। तो हमारे आदरणीय माता प्रताप पांडे जी बेहतर बता सकते हैं कि कई बार ये अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष के नाते इन्होंने सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान किया, उनकी बात उठाने का मौका दिया, चाहे वो सवाल रहे हो या नियमों में अशिथिलता ला करके भी अगर उन्हें मौका देने का काम हुआ होगा तो आदि मदर प्रसाद पांडे जी ने किया है। मैं समझता हूँ उस नियम के बारे में और उस नियम के तहत जो अधिकार माननीय विधायकों के, आप बेहतर बता। तो याचिकाएं जितनी की जाती याचिकाएं लोग कम देते और अब याचिकाएं बहुत एक एक दिन में 10 याचिकाएं आती हैं। हम लोग चाहेंगे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।